बसपा तो निकाल ही लेगी, देखो हम तो बसपा के समर्थन है, वोट भी हम उन्हीं को देंगे और किसी को नहीं देने। समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों ने एक तरफा वोट देने का काम करा, अगर मुस्लिम और दलित एक साथ इकट्ठा हो जाते तो बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनने का काम होता है। चेयरमैन साहब ने मैंने कुछ भी निर्माण और कोई कार्य यहाँ पे नहीं किया, हमने इनको बोला था रविदास मंदिर पे इंटरलॉक इन होने की, यहाँ पे साल भर से हम बोल रहे हैं, लेकिन हमें अपने मोहल्ला खालसे में काम चाहिए था, बिल्कुल वो नहीं हो पाया हमने बार बार। नमस्कार दोस्तों, को आप देख रहे हैं बिज न्यूज़ और आज हम पहुंच चुके हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर भेट विधानसभा के अंबेडकर, आपको दिखाऊंगा अंबेडकर धर्मशाला है और कुछ दलित समाज के यहां पर युवा है, बातचीत करेंगे कि सीधा इस मुद्दों को लेकर कि जैसे कि अब निकाय के चुनाव होने हैं कि जनता की यहां पर क्या राय है, किसको देखना चाहते हैं इस बार को यहां जो नगर, तो कौन बने जनता हमारे साथ मौजूद है बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुमित कुमार है जी। अच्छा सुमित कुमार जी, यहीं के रहने वाले हैं भेट के? मैं इसी हूं भेट से। क्या लग रहा है इस बार सीट में कुछ परिवर्तन हो आपकी भेट क्षेत्र में, और या फिर चाहते हैं कि दोबारा अब्दुल रहमान जैसे आपके चेयरमैन साहब हैं, कैसा कार्यकाल रहा थोड़ा वो जानना चाहेंगे। देखो कार्यकाल तो जो भी कराया उन्होंने सही करा अपने समय में, बाकी जो हमारे यहाँ पे मोहल्ला खालसा है हमारे खालसे में सभी पुराने निर्माण हुए हैं, जो भी हुए कोई नया निर्माण नहीं हुआ। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम योजनाएं दे रही है सरकार, किस तरह के आवासीय योजना में कुछ फायदा मिला है यहाँ पर जो अगर आपके रहने वाले हैं? यहाँ पे प्रधानमंत्री वाली योजना तो जो घर घर की है वो तो मिली है, बाकी अपने स्तर से जो ये चेयरमैन साहब है इन्होंने कुछ भी निर्माण और कोई कार्य यहाँ पे नहीं किया, हमने इनको बोला था रविदास मंदिर पे इंटरलॉक इन होने की, यहाँ पे साल भर से हम बोल रहे हैं, इन्होंने वो कार्य भी हमारा पूरा नहीं किया। जैसे कि शौचालय की बात करें, आपने देखा होगा शौचालय होते हैं, सड़कों की व्यवस्था होती है, नालियों की व्यवस्था होती है, स्ट्रीट लाइट होती है, इस तरह कोई विकास हुआ है या वो भी पेंडिंग है? ऐसा कुछ विकास नहीं हुआ यहाँ पे, लाइट वगैरह जो भी लाइट है पिछले 5 सालों से जो लगी हुई पुराने चेयरमैन की उसमें वही लगी हुई है, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं। क्या वो खराब हो चुकी है कि जो पुरानी लाइट है आप दिखा रहे हैं? कैमरा पर्सन से कहूँगा वो लाइट भी जूम करके दिखाएंगे, यहाँ की जो स्ट्रीट लाइट है पोल लगा हुआ है बताया जा रहा है ये लाइटें खराब है। कुछ अन्य युवा भी उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब अब बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय कुमार। जय कुमार जी, किस तरह देखते हैं इस बार के चुनाव को, क्या लग रहा है कुछ परिवर्तन होना चाहिए सीट पर? परिवर्तन होना चाहिए बिल्कुल, हमारे मोहल्ले के लिए तो कोई परिवर्तन नहीं किया अब तक। मगर हमने स्थानीय क्षेत्रवासी से बातचीत करी है मनरियान चौक पर कि बता रहे कि शालू अब्दुल रहमान ने तो बहुत ही अच्छा कार्य किया है यहाँ पर। चेयरमैन साहब ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें अपने भी तो एरिया में काम चाहिए ना। अच्छा, हमारे जब एरिया में काम नहीं होता हम कैसे कह दें? मतलब आपका ये कहना है कि आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? हमारे मोहल्ला खालसा के आसपास जो है खालसा में विकास नहीं हुआ जी। तो क्या नाराज है चेयरमैन साहब से? नहीं नाराज तो चलो वो तो नाराजगी वाली तो बात अलग हुई, लेकिन हमें अपने मोहल्ला खालसा में काम चाहिए था, बिल्कुल वो नहीं हो पाया हमने बार बार, भाई जी भी गए और हम भी गए, हम सभी लोग गए बार बार चेयरमैन साहब के पास, मगर इंटरलॉकिंग करा दीजिए हमारे यहाँ, तो इनको लेकर के कई बार मुद्दे पे बात हो गई, हमारे साथ कोई इंटरलॉकिंग नहीं की इन्होंने बस। जैसे कि निर्दलीय चुनाव जीता था चेयरमैन साहब ने आपके, और इस बार बताए जा रहे हैं कि कुछ जैसे कि इमरान मसूद सपा छोड़ के बसपा में आए हैं, एक नया समीकरण बनना चाह रहे हैं दलितों को लेकर मुसलमानों को लेकर एक समीकरण बनाएंगे, क्या लगता है बसपा यहाँ से सीट निकाल ले जाएगी या कुछ अन्य प्रत्याशी? देखो ये तो ये नहीं हम कह सकते, देखो मेरी बात सुनो, बसपा तो निकाल ही लेगी, देखो हम तो बसपा के समर्थन है, वोट भी हम उन्हीं को देंगे और किसी को नहीं देने के, क्योंकि हमारा वोट भी वहीं को ही ना जाता है। मतलब बसपा का जो कैंडिडेट खड़ा होगा वोट देने का काम उसी को ही करेंगे? वोट देने का काम तो उसी को करेंगे जी। जी हमारा वोट ही उधर। अन्य युवाओं से भी बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है भाई साहब इस सीट पर, क्या नाम है? नाम बताइए अपना भैया। अनुज कुमार। अनुज कुमार जी जी, यहीं के रहने वाले भेट के ही, क्या लग रहा है इस बार कुछ परिवर्तन हो आपके भेट विधानसभा क्षेत्र में, क्या वही दोबारा चेहरा रिपीट आए? फिर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे परिवर्तन होना चाहिए, इस बार जो एक तरफा विधानसभा चुनाव हुआ था समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों ने एक तरफा वोट देने का काम करा, अगर मुस्लिम और दलित एक साथ इकट्ठा हो जाते तो बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनने का काम होता है यहाँ से। क्या लग रहा है इस बार जैसे आपके चेयरमैन साहब हैं अब्दुल रहमान शालू, उनके कार्यकालों से पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हुआ, क्या क्या विकास कार्य आपके अधर में लटके हुए हैं जो आपकी शिकायत है? देखो शिकायत तो यह है थोड़ा सा, जैसे हमने ये शौचालय बनवा रखा चेयरमैन साहब ने यहाँ पे सामने, कोई देख रेख के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बनवा तो दिया, सफाई कर्मी नहीं आते क्या यहाँ पर? सफाई कर्मी तो हैं लेकिन वो काम नहीं करते आगे यहाँ पे, चेयरमैन साहब की जिम्मेवारी बन रही जब वहाँ पे शौचालय आपने बनवा दिया तो उसकी जिम्मेवारी भी साफ सफाई रखनी पड़ेगी, नहीं रखनी पड़ेगी? अब सड़क पे मेन रोड पे शौचालय बना हुआ है, यात्रीगण आवे आते जाते हैं वहाँ पे देखो आप जा करके, आप विद कैमरा जाना वहाँ पे गंदगी देखना कितनी हो रही, जब आपने किसी चीज़ को बनाया है तो उसकी देख रेख भी तो करनी पड़ेगी हमें, एक बना के छोड़ दिया उसको, उसका फायदा क्या हुआ फिर पैसे लगा के हमें? बिल्कुल बिल्कुल वो है मेन बात। तो जैसे दर्शकों को आपने देखा युवा ने अपनी बातें रखी, कुछ अन्य युवा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत, एक ताऊ जी मौजूद है यहाँ पर बातचीत करेंगे। जी ताऊ जी नमस्कार जी, शुभ नाम जानना चाहेंगे आपका? राजकुमार जी, यहीं के रहने वाले हैं बैठ के ही, क्या लग रहा है जैसे युवाओं ने कुछ बताया नाराजगी जताई है कि जिस तरह की चेयरमैन साहब ने शौचालय बनवाए हैं बट वहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं है, क्या लगता है वाकई सही है या वाकई गलत है?
सफाई व्यवस्था तो ठीक नहीं है, और यह है कि शौचालय नाम मात्र कर दिए खड़े, ये गंदे ही रहते हैं और कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। देखो उसके अब उसके सामने कितना कूड़ा पड़ा, वो तो हम यहाँ करो जहाँ साफ सफाई अपने आप खुद। चलिए, तो शौचालय की समस्या होगी, इसके अलावा और क्या क्षेत्र में समस्या है? अभी शालू चेयरमैन साहब ने इंटरव्यू किया है, बताया जा रहा है कि जितनी भी स्ट्रीट लाइट होती हैं, सड़कें होती हैं, पानी की व्यवस्था को लेकर उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं और बताया कि ग्राउंड लेवल में काम भी किया। लगता है वाकई में काम हुआ है या नहीं हुआ है? नगर का हो चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, दलित बस्तियों में तो भेदभाव ही रखा जा जिस तरह से पिछली बार जो समीकरण बनाया था दलितों को लेकर ही जीतने का काम किया था, बताया जाता है आपके क्षेत्र के अंदर। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, जो दलित वोट है वो तो अपने उस पर गया है। ये अपना खरीद फरोख्त या कुछ जो भी कुछ कह रहे हो, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट के कुछ भी करके बस निकल गई सीट। जैसे कि अनाज बांट रहे हैं उसमें, तो क्या इस बार दलित समाज बहिष्कार करेगा या कुछ अपना ही कैंडिडेट खड़ा करेगा बसपा समाज से? कोई यहाँ पर लग रहा है संबल पर लड़ेंगे चुनाव, दलित समाज अपने संबल पर चुनाव लड़ेंगे BSP से जी। तो परिवर्तन चाह रहे हैं इस बार? परिवर्तन तो हर बार ही होता है, बार बार तो कोई अवे बिरला ने परिवर्तन तो देखिए, जैसे कि अब्दुल रहमान निर्दलीय रहकर एक यहाँ पे सीट निकाली है अपनी, काफ़ी बतों से जीत बताया थे, 650 वोटों से कुछ लगभग जीते थे। क्या वाकई ये जीत हुई थी, वाकई दमदार जीत हुई थी या कुछ इसको आप मानते हैं कुछ साठ गांठ हुई थी? ये तो समीकरण बनते बिगड़ते रहे हैं, उसके नसीब में थी बना होगी थी। अब जैसे देखिए इमरान मसूद भी समीकरण करने जा रहे हैं दलितों को लेकर और मुसलमानों को लेकर, और भेंट विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर मुसलमानों का गढ़ माना जाता है। क्या लगता है कि जैसे कि इमरान मसूद जी बसपा में आए हैं, ये जो समीकरण बनाया है उन्होंने दलितों का और मुसलमानों का, वाकई कारगर होगा बसपा से यहाँ पर आपके भेंट में? कारगर होगा, दलित मुस्लिम जब साथ आ जाएगा जो 10% और इधर उधर भागता है ना जी, वो भी साथ आएगा, अगड़ा पिछड़ा सब जुड़ जाएगा। ठीक, कुछ अन्य युवा भी उनसे बातचीत करें, क्या राय है इन युवाओं की? जी भाई क्या नाम है? उनसे आपसे बात करेंगे। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? नाम विजय कुमार जी। क्या लग रहा है इस बार इस चुनाव में, क्या हो आपके चुनाव में? कुछ युवा नाराजगी भी जता रहे हैं, जैसे कि आप दलित समाज से होंगे यहाँ पर रहते हैं, क्या कोई दलित समाज नाराज है क्या अब्दुल रहमान से? नहीं, ऐसे कुछ कोई खास कारण नहीं है नाराजगी का, बस थोड़ा सा उनसे ये अपेक्षा थी, हमारे यहाँ पे ये अंबेडकर धर्मशाला है, रविदास मंदिर है, यहाँ पे शाकुंभरी देवी लोग लाखों यात्री आते हैं यहाँ पे स्टे करते हैं, लेकिन उस हिसाब से चेयरमैन साहब 5 साल रहे, उन्होंने थोड़ी सी ये नहीं किया कि एक सांसद ने, क्योंकि वो कुछ भी है विधायक निधि से सांसद निधि से उनके थ्रू कोई भी सरकार की योजना यहाँ के लाके अमल में लाते और यहाँ पे लाके ये जो धर्मशाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा हमारे यात्रियों को फ़ायदा मिलता, और यहाँ पे बरात घर की कमी है हमारे मोहल्ले में काफ़ी, यहाँ पे बरात घर का जैसे कि समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई, यहाँ पे पानी का बड़ा वाला नल चाहिए था वो नहीं है, और यहाँ पे जो हमारे बराती आते हैं उनके लिए ठहरने की सही तरह उचित व्यवस्था नहीं है, थोड़ी सी यही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कि चेयरमैन है, जैसे आपने बताया कि विधायक निधि होती है सांसद निधि होती है, सांसद जी की बात करें अभी 2024 भी सर पर है, सभी पार्टी तैयारियां कर रही हैं, सांसद साहब का कैसे कार्यकाल रहा आपके क्षेत्र के अंदर? सांसद साहब का 0 बिल्कुल, हमारे मोहल्ले बहट के लिए तो कोई कुछ नहीं किया उन्होंने, खासकर देखो बहट विधानसभा है नंबर 1 विधानसभा सीट है वो, उन्होंने कुछ भी सांसद निधि से एक इतना वो नहीं चाहा उन्होंने कि चलो एक नंबर 1 विधानसभा है बहट मोहल्ला खालसा मोहल्ला माजरी, 2 मोहल्ले हैं यहाँ पे दलित बस्ती में, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सांसद महोदय ने दिया। सांसद साहब नजर आ जाते हैं नहीं आ जाते हैं आपके लोगों के बीच में? आ जाते हैं नहीं? नहीं सर, हमारे यहाँ एक वार्षिक प्रोग्राम होता है रविदास जयंती का, आज तक तो नहीं आए, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव आए थे फर्स्ट टाइम में जब वो बने थे, बस उसके बाद कोई नहीं आया। देखिए अभी 24 की भी तैयारियां चल रही हैं और इमरान मसूद अभी बसपा में आए हैं, और क्या लगता है आपको इस बार जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी लोकसभा सांसद आपके हाजी फजलुर रहमान को टिकट देने का काम करेगी या लगता है इमरान मसूद कहाँ पे, कुछ क्या मानते हैं आप? देखो ये तो हाईकमान का निर्णय होता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं टिका टिप्पणी करने चाहेंगे, लेकिन ये है इमरान जी के आने से बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है BSP, और इसके साथ में दलित समाज के साथ साथ अन्य मुस्लिम वर्ग भी बहुत अच्छी तरह से जुड़ेगा उसमें। अगर बात करें अभी के भेंट की, आपकी माजरी की आप बता रहे हैं जो आपका मोहल्ला है, तो यहाँ की जो प्रत्याशी हैं, या प्रत्याशी कह रहा हूँ जो यहाँ का वोटर है, इमरान मसूद को ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर आपके सांसद साहब को हाजी फजलुर रहमान साहब को? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पार्टी बेस, हम तो ये चाहेंगे कि जो हमारे साथ में हमारा विकास करे, हमारे लोगों का, हमारे गांव बस्ती का विकास करे, उसी को सपोर्ट करेंगे। पार्टी बेस
ना मान के चलिए। तो दर्शकों, जैसे आपने देखा यहाँ के जो लोग थे दलितों ने यह भी कहा कि जो इस बार का जो चुनाव होगा विकास को लेकर चुनाव होगा। दिखाएंगे ये वीडियो, तब तक बने मेरे साथ, भेंट से पुरुषोत्तम सैनी के साथ। कैमरा पर्सन अक्षय सैनी, बीजी न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।